Dear students, in this module, we are going to talk about the social Darwinism, which is one of the important aspects of origin of sociology. और जब हम origin of sociology में बात करते हैं, तो हम सबसे पहले August Comte की बात करते हैं. August Comte के बाद जो एक important अहम शख्सियत हैं, उनका नाम है Herbert Spencer. Herbert Spencer was a British philosopher, British uh, thinker, and British sociologist.

शायद डावन की थीरी ऑफ एवोल्यूशन से ये काफ़ी मुतासर था इसके ख्याल में जैसे चार्ल्स डान जो है वो औरजन ऑफ स्पीशीज़ की बात करता है कॉमन डिसेंट की बात करता है कि किस तरह से मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो हैं वो एक ही स्पीशीज़ के औरजन के से जो है वो आगे मुख्तलिफ स्पीशीज़ में कन्वर्ट हुई और स्पीशीज़ का एवोल्यूशन हुआ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जिस तरह से हुआ तो आ, इसका ये ख्याल था कि शायद इस यही प्रोसेस जो है वो ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर जो इंसानी रवैये है उसके साथ भी हुआ है और माशरे भी जो हैं वो शायद इसी प्रोसेस से गुजरे हैं पहले बहुत सिंपल सोसाइटीज़ होती थी उनके रवैये बहुत सादा होते थे फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उनके अंदर कंप्लेक्सिटी आती गई और हज़ारों लाखों सालों की इंसानी तारीख के अंदर वो मुआरे सर्वाइव कर गए जिनके अंदर सर्वाइवेबिलिटी ज़्यादा थी जिनके अंदर माहौल के साथ अपने आप को मुताबत रख के ढालने की कैपेबिलिटी uh, ज़्यादा थी तो इस तरह से मुशरे भी जो हैं वो सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट के असूल से गुजर के आज इस पोजिशन के अंदर हमें नज़र आते हैं ये वो मुआरे हैं जो सर्वाइव करके हिस्ट्री के अंदर से जो है आज हमारे सामने मौजूद हैं सो स्पेंसर अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ डाविंस थी ऑफ एवोल्यूशन टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी ही बिलीव डैट इवॉल्व ओवर टाइम that the most advanced societies are the fittest and most successful societies that we are currently observing so his ideas were used to justify the social inequality and domination of certain groups over the others so typically speaking agar hum jab hum survival of the fittest ki उनके अंदर कोई इखलाकी मैार नहीं थे कोई इखलाकी क़दरें नहीं थी बस उनका एक ही मकसद था और भी ये था कि हमने सर्वाइव किस तरह से करना है और जैसे कि हमें नज़र आता है कि सब जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा जो सबसे ज़्यादा जो है आ, अपने अंदर ये कैपेबिलिटी पैदा कर लेगा कि मैं दूसरों के मुकाबले में जो है वो किस तरह से सर्वाइव कर सकता हूँ तो शायद वही सर्वाइव करेगा अब इसमें जो इखलाकी मैार है याकी या कदरें हैं वो शायद थोड़ी अंडरमाइन हो जाती हैं तो इसी वजह से एक बड़ा एतराज़ जो है इसकी थीरी के ऊपर ये भी लगाया जाता है कि इसने शायद इनडायरेक्टली जो इनवालिटी है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है तो सोशल डार्विनिज्म वाज आल्सो यूज़ टू सपोर्ट यूजेनिक्स एंड अदर रेशियल पॉलिसीज यूजेनिक्स मूवमेंट जो है ये एक डार्विनिज्म की ही एक सब ब्रांच है इसको हम Uh, इसको ह्यूमन uh, हिस्ट्री के अंदर बड़ा नेगेटिवली परसीव किया जाता है क्योंकि इसमें टिपिकली इंसान को डेलिब्रेटली इंसान के अंदर इंसान के बायोलॉजिकल बायो करेक्टरस्टिक्स की बुनियाद के अंदर जो है वो एक सिलेक्शन प्रोसेस शामिल था कि हम जो बेहतरीन इंसान हैं उनको चूज़ करके उनको सेलेक्ट करके उनकी जो अफसाइश नस्ल है करके तो उस नस्ल को आगे बढ़ाते हैं और जो कमज़ोर हैं जो डिसेबल हैं और जिनके अंदर डिफेक्ट्स हैं उनको हम वहीं पे एक्सटर्मिनेट कर देना चाहिए हमें तो ये यूजेनिक्स की मूवमेंट जो है ये कुछ अर्से के लिए यूरोप के अंदर रही लेकिन बाद में इसको रेशल कंसिडर करके रेसिज्म या नस्ल प्रस्ताना कंसीडर करके जो है इस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया गया तो इनडायरेक्टली इसका सोशल डावनिज़म से जो है वो एक ताल्लुक़ बनता है सोस्पेंस आइडियाज़ वर लेटर क्रिटिसाइज फॉर देयर सोशल डावनिस्ट इम्प्लीकेशनस एंड डिस्पाइट ऑल दिस हिज वर्क हैड आ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द डिवेलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी एंड सोशल थीरी लेटर ऑन आप जब स्ट्रक्चुर फंक्शनिज़म को देखेंगे जो सोशोलॉजी की का एक बड़ा प्रस्पेक्टिव है एक मेजर प्रस्पेक्टिव है उसके अंदर भी हम देखेंगे कि जो सोशल डावनिज़म है उसकी झलक जो है वो हमें नज़र आती है तो सोशल डावनिज़म को हम सोशोलॉजी का आगाज़ या इसका औरिजन पढ़ते हुए इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इसका एक बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है